रास्ता रोका। नमस्कार, स्वागत है आपका प्राइम उत्तर प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ ईशा भार्गव। तो रुक करते हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों की ओर। भाजपा सरकार सभी गरीबों को घर देने की बात कर रही है, तो वहीं भ्रष्ट अधिकारी और ग्राम प्रधानों की वजह से प्रधानमंत्री आवास योजना के पात्रों को उनका लाभ नहीं मिल पा रहा है। जी हाँ, एक ऐसा ही मामला पीलीभीत से सामने आया है, जहाँ पूरनपुर तहसील क्षेत्र के गाँव जेठापुर निवासी दिव्यांग महिला ने अपने बच्चों के साथ छप्पर तले जिंदगी जीने को मजबूर है। बताते चले कि मौसम में अचानक हुए फेरबदल से सुबह तेज हवाओं के चलते महिला के घर का छप्पर गिर गया। इस दौरान महिला ने किसी तरह अपने और अपने बच्चे की भागकर जान बचाई। बता दें कि जहां महिला का नाम प्रधानमंत्री आवास योजना लिस्ट में शामिल तो हुआ, पर अधिकारियों को देने के लिए मोटी रकम नहीं थी। इसी के चलते महिला सिर्फ अधिकारियों के दफ्तर के चक्कर काट कर थक गई और उसको प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिल पाया। सर जी, हमारा आवास में नाम आ चुका है, सूची में नाम है, और हम जो कह रहे हैं हमारा आवास बनवा दो। कई बार हमने प्रधान से भी कहा, मगर कोई गरीब की सुनी नहीं रहा। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अमित जुड़ चुके हैं। तो अमित, इस महिला को अभी तक अपना हक नहीं मिला है, प्रशासन क्या कुछ कर रही है? जी जी, आपको बताते चले कि आए दिन जो आंधियां चलती रहती हैं और सरकार जो आवास देने की जो योजना चलाती रहती है, कहीं न कहीं देखा जाए अगर प्रधान व सचिव के द्वारा 20,000 रुपए लेकर के कहते हैं कमरा देंगे, लेकिन आवास नहीं मिल पाता है वो लोग, क्योंकि 20,000 रुपए नहीं जुटा पाते, जिसके बाद में उन्हें आवास नहीं प्राप्त हो पाता है, जिसके बाद में जो आंधियां चलती है उसके बाद जो आंधियां जो चलती है उसके बाद छप्पर उड़ जाते हैं, टूट जाते हैं, ताकि उनका एक नुकसान भी बड़ा हो जाता है। हमको बताते चले कि ये जो प्रशासन लोग हैं और जो उच्च अधिकारी लोग हैं बैठे हुए, ये लोग 20,000 रुपए की डिमांड करते हैं, जिसके चलते किसी गरीब व्यक्ति को कमरा नहीं मिल पाता है, जिसके बाद में लोग कहते हैं कि घर घर आवास योजना चल रही है, लेकिन कहीं कहीं देखा जाए गरीब आदमी इसमें मारा जाता है और अच्छे अच्छे जो व्यक्ति हैं जिसके घर बने हुए हैं उनको आवास मिल जाता है। तो अमित, जो अधिकारी है जो पैसे की मांग कर रहे हैं, उन पे कुछ कार्रवाई हुई है अभी तक? नहीं, देखो, शिकायत करने को क्या, शिकायतें होती रहती है, सब कुछ होता रहता है, लेकिन प्रशासन कब क्या करें बताओ। प्रशासन ही जब आगे से ही करप्ट लग रहा है, जब सचिव अधिकारी बैठते हैं कमरे में, वो लोग जब पीड़ित व्यक्ति जाता है जिसके बाद में वो अपनी जो बीता है सुनाता है, लेकिन वो आगे की कार्रवाई, वो लोग 20,000 रुपए की डिमांड करते हैं और गरीब आदमी 20,000 रुपए दे नहीं पाता है, जिसके बाद में आंधियां चलती है, बारिश होती है, वो बारिश में छप्पर टपकने लगता है, आंधियों में उड़ जाता है, और जिसके बाद में उनका भारी नुकसान हो जाता है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए धन्यवाद अमित। जी जी, थैंक यू। वहीं सहारनपुर में विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष आशीष कुमार का फरमान जारी हुआ है, जिसमें उन्होंने प्राधिकरण में एंट्री करने के लिए गेटमैन से फोटो खिंचवाने और विभाग में स्पष्टीकरण देने को कहा। विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष की अनुमति के बाद एंट्री होगी। बताते चले कि योगी राज में अफसरों की तानाशाही, अवैध निर्माण पर कार्रवाई करने के बजाय आने जाने वाले शिकायतकर्ताओं के लिए तुगलकी फरमान जारी करने का काम कर रहा है। वहीं अगली खबर शाजापुर से है, जहां थाना मदनापुर क्षेत्र में मामूली कहासुनी के बाद बड़े भाई ने छोटे भाई को गोली मार दी। घायल को जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। नहीं सर, हम और पिता बैंक गए हुए थे नारोसा, अपने पड़ोस के वहां से आए, जो दारू पिए थे, यहां दो चार फुक्के बैठे हुए थे, तो पिताजी ने कहा कि अभी अरे से दोबारा फ़ोन लगा कर इसे पकड़वा दो। इतने में पापा दोबारा चले और इसने बंदूक उठाई और गोली मार दी धोखे से। दोबारा पहली गोली मारी पापा को लगी, दूसरी मारी चाचा की, चाचा बच गए। हाँ, कौन है जिसने गोली मारी थी? वो महावीर सिंह। थाना बंदरपुर से हमारे पास एक पेशेंट आया गया था,
रनसौट इंजरी थी पेट पे, और जब आए थे तो ब्लड डेड था, मृत अवस्था में लाया गया, उसकी बॉडी मशरूम रखा दी गई पोस्टमार्टम के लिए। वही कौशाम्बी जिले में सराय अखिल नगर पंचायत के नवनिर्वाचित अध्यक्ष अनूप सिंह सहित विजेता सभासद का अभिवादन स्वीकार करने पहुंचे। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने बड़ा बयान दिया है। संजय सिंह ने कहा कि भाजपा पार्लियामेंट में जनसंख्या नियंत्रण पर बड़े बड़े भाषण देती है और उनके ही मंत्री चार बच्चे पैदा करने की बात करते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि भाजपा कहती है कि यूपी निकाय चुनाव में उसे बड़ी जीत हुई है, जबकि यूपी निकाय चुनाव में भाजपा को 30% वोट मिले हैं और निर्दलीय को 33% वोट मिले और भाजपा बड़ी जीत के ढिंढोरे पीट रही है। संजय सिंह यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि बीजेपी को केरला स्टोरी देखने से पहले पहलवान स्टोरी देखनी चाहिए, क्योंकि देश के पहलवान दिल्ली में धरने पर बैठे हैं, प्रधानमंत्री उनकी बात सुनने में अभी तक नहीं पहुंचे। आगे क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए सुनाते हैं आपको। तो भागवत जी तो खुद ही कहते हैं चार बच्चे पैदा करो, तो इसलिए मुझे लगता है कि पहले भाजपा के लोगों को आपस में तय करना चाहिए कि उनकी आप खुद की राय क्या है। पार्लियामेंट के अंदर मैं राज्यसभा में मौजूद था जब बहस हो रही थी, सरकार ने खड़े होकर कहा कि हम जनसंख्या नियंत्रण पे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो भैया जब तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो तो तुम्हारी पार्टी के लोग क्यों ऐसे सवाल उठाते हैं। देखिए मुद्दा क्या है इस समय, मुद्दा है अग्निवीर योजना से भारत की सेना को कमजोर करना। पुलिस और चोरों के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ के दौरान दो चोरों के पैरों में गोली लगी है। दरअसल बीती रात पुलिस को सूचना मिली थी कि शहर कोतवाली इलाके के ठोकरी के जंगल में बदमाश इकट्ठा है। यहां पुलिस ने घेराबंदी की तो बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में दो बदमाशों के पैर में गोली लगी है। पुलिस ने घेरा तंग करते हुए चारों बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं पुलिस की पूछताछ में सामने आया कि गिरफ्तार गैंग अंतर जनपदीय है और जिले के अलग अलग थाना क्षेत्रों में चोरी की कई घटनाओं को अंजाम दे चुका है। पुलिस ने चोरों के कब्जे से एक बाइक समेत अवैध असलहे भी बरामद किए हैं। देखें, हमारे कोतवाली नगर में एक मुकदमा अपराध संख्या 243/23 तथा सलोन में 174/23 चोरी के मुकदमे पंजीकृत हुए थे, जिसमें विवेचनात्मक कार्रवाई चल रही थी। विवेचना के दौरान चार अभियुक्तों का नाम संज्ञान में आया था। ये अभियुक्त महेश कुमार, रामबच्चन, सुरेंद्र तथा देवीलाल हैं। इसमें तीन अभियुक्त गोंडा के रहने वाले हैं, एक अभियुक्त प्रतापगढ़ का रहने वाला है। कल मुखबिर द्वारा ये सूचना मिली कि ठोकरी के जंगल थाना क्षेत्र कोतवाली नगर में ये डकैती का प्लान बना रहे हैं। इस सूचना पर हमारी पुलिस मौके पर पहुंची और जब इनकी घेराबंदी की तो इन्होंने पुलिस पर फायरिंग की। वही कासगंज जिले में ग्रामीणों की मदद से बिजली विभाग और पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। एक्सीए ने तीन फर्जी बिजली कर्मचारी पकड़े। ग्रामीणों की शिकायत पर पहुंची पुलिस ने पकड़े गए फर्जी बिजली कर्मियों की पहचान कर ली है। दो दिन पहले बिजली चोरी के आरोप में ग्रामीणों से ठगी करते थे। ग्रामीणों की शिकायत पर एक्सीए ने फर्जी विद्युत कर्मचारियों को गिरफ्तार करने के लिए जाल बिछाया था। कोई पद पर ना सर, हमने विजिलेंस वाला सूचना दी लाट पकड़वाने के लिए, तो लाट पकड़वा दी तो उन्होंने कहा तुम जाओ, तो हम गांव से निकल लेते, गांव वालों ने पकड़ लिया सर हमें। अब किस में काम करते हैं? काम नहीं करते, पकड़वाने के लिए गए थे सर। कितने लोग थे आप जी सर? कितने लोग थे? स्टाफ के संग गए थे सर हम। आपके कितने लोग हैं आपके साथ? आप कौन से स्टाफ के साथ गए थे? मुझे विजिलेंस वालों सर। आप क्या काम करते हैं विजिलेंस में? कुछ भी नहीं सर, उन्हें गांव से सूचना मिली थी ऐसे पकड़वा दो इनको, तो यहाँ पर तो मैंने सर बता दिया उनको, उनके साथ चला गया। कर्मी द्वारा पकड़ने का मामला शामिल है। क्या था कि खैरपुर से एक व्यक्ति अपना स्कूल चलाते थे, उनके पास दो तीन लोग पहुंचे होंगे, कुछ उनसे भाई आपने चोरी किया इस तरह का कुछ मामला संज्ञान में आया, तो उन्होंने मेरे पास आगे की सर ऐसी बात थी, कुछ लोग मेरे पास आए थे और उन्होंने मुझसे कुछ डिमांड वगैरह की, उसके लेके वो मेरे से मिले आज सुबह। मैंने उनको बताया कि भाई आपके पास आते हैं तो कम से कम उनके आईडी कार्ड मांग लीजिए, कोई डिटेल हो तो मुझे। तो मैंने और भी लोगों से पता भाई कौन गया था खैरपुर पर चेकिंग करने के लिए या कुछ भी पता करने के लिए। इस संदर्भ में हमने जब मालूम को दिया तो मालूम पड़ा कि वो कोई अन्य व्यक्ति थे जो कि विभाग से संबंधित नहीं थे, उनकी जानकारी लगी।
इसमें हमने समझ भुगता होगा कि आके आप उनके पास आए तो आप हमें इन्फॉर्म कर दीजिएगा। इस संदर्भ में जब उनके पास कोई व्यक्ति पहुंचे तो उन्होंने मुझे इन्फॉर्म किया और मौके पे हम गए। अब उसमें खैरपुर के जो व्यक्ति का जिनके यहाँ जिनके पास गए थे चेकिंग करने के लिए जो लोग, उनसे हमने तहरीर मंगवाई है। तहरीर के आधार पर उसके पॉजिटिव का मुकदमा करता। वहीं अगली खबर आई बरेली से है, जहां नानी के घर आए एक बच्चे की हाथ पैर बांध कर बेरहमी से गला घोटकर हत्या कर दी। पुलिस ने शुरुआती जांच के बाद हत्या के आरोप में पड़ोसी युवक को दबोचा है। वहीं पुलिस ने घर से बालक के शव को भी बरामद किया है। हत्या के आरोप में पड़ोस के ही रहने वाले एक युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। लालगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पड़ता है समेसी, यहाँ के रहने वाले हैं छोटू मिश्रा सना कुमार मिश्रा। कल ये लगभग 7:30 बजे लालगंज कोतवाली में आया और इनके द्वारा बताया गया कि इनका भांजा आयुष तिवारी, जिसकी उम्र लगभग 10 वर्ष है, सुबह 9 बजे से नहीं मिल रहा है। इस सूचना पर लालगंज कोतवाली द्वारा तत्काल FIR पंजीकृत किया गया और बच्चे की बरामदगी हेतु 3 पुलिस की टीमें गठित की गई और सघन तलाशी अभियान चलाया गया। तलाशी के दौरान ही इनके पड़ोसी आशुतोष अवस्थी पर संदेह व्यक्त किया गया। पुलिस भी उन पर संदेह की और उनको कड़ाई से पूछताछ हेतु थाने लाया गया। जब कड़ाई से पूछताछ की गई तो उसने अपना जुर्म कबूल करते हुए बताया कि आयुष तिवारी को पैसे की लालच में ले जा करके गला घोंट करके मार डाला गया है। उसकी निशादेही पर शव को बरामद किया गया। मौके पर उच्च अधिकारियों का निरीक्षण किया गया। हमारी फील्ड यूनिट की टीम भी गई थी और जितने भी एग्जिबिट थे, प्रदर्श थे, उनको कलेक्ट किया गया था। इस संदर्भ में पहले से ही अभियोग पंजीकृत है और अभियुक्त की गिरफ्तारी करते हुए अन्य लोगों की संलिप्तता के संबंध में विवेचनात्मक कार्रवाई प्रचलित है और इस संबंध में आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाए। वहीं लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष डॉक्टर इंदिरा मणि त्रिपाठी के निर्देश पर प्रवर्तन की टीम ने कार्रवाई की। निजी विकास कर्ताओं द्वारा अवैध रूप से बनाई गई सड़कों, बाउंड्री वॉल, साइट ऑफिस गेट, खंभों आदि को ध्वस्त किया जाएगा। बताते चले कि लगभग 60 बीघा अवैध प्लॉटिंग को ध्वस्त किया गया है। वहीं सुल्तानपुर में एक ट्रेलर ने बाइक को टक्कर मार दी। इस हादसे में बाइक सवार 2 युवक की मौत हो गई। मौत की सूचना मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। वहीं मृतकों के शव को पोस्टमार्टम के लिए पुलिस कार्रवाई में जुट गई है। दरअसल मामला बंधुआ कला थाना क्षेत्र के स्थानीय कस्बे का है। यहीं पर रेलवे स्टेशन के पास आज सुबह एक ट्रेलर ने बाइक को टक्कर मार दी। आनन फानन में दोनों युवकों को इलाज के लिए अस्पताल लाया गया, जहाँ डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। मृतकों की पहचान कर ली गई है। वहीं सूचना पर पहुंचे परिजनों को जब मौत की जानकारी लगी तो कोहराम मच गया। मैं ग्राम महाविरोध प्रधान हूँ। जी प्रधान जी, तो वहाँ जो है ये आए दिन घटनाएं हो रही हैं। कोई सप्ताह नहीं बीत रहा है कि जिस दिन कोई न कोई घटना ना घट जाए। इसमें कम से कम अब तक 2500 लोगों की जान जा चुकी है। ये एनएचआई की लापरवाही है। एनएचआई टूल तो छूल रहा है पूरी तरीके से, लेकिन रोड पे उसका कोई ध्यान नहीं है। जहाँ पे पर डे जो है कहीं न कहीं किसी न किसी से रात कोई बाहरी आदमी, कोई लोकल आदमी का, और वो उतना पार्ट जो है आज तक एनएचआई ने बनाया नहीं, और आए दिन वहाँ पे जो है घटनाएं घट रही हैं। मंजूर है, मंजूर है। क्या मामला था, कैसे हादसा हुआ? बच्चे जा रहे थे कहीं, कहाँ, हम तो घर ही पे थे, एक्सीडेंट हुए, हमको फोन मिला तो हम यहाँ भाग गए। ये किसकी लापरवाही है? हेलमेट भी नहीं लगाए थे, ऐसे सुनने में आ रहा है कि वहाँ पे इतने एक्सीडेंट हो रहे हैं, इतने ज़्यादा एक्सीडेंट हो रहे हैं, जिसका कोई ध्यान जो प्रधान जी लोग कहा, अभी जो भी कहा उन्होंने सही कहा है। वहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए भ्रष्ट अधिकारियों पर कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन अमरोहा में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक फर्जी मदरसे को दिखाकर सरकार को करोड़ों रुपए का चपत लगाया गया। हालांकि जब मामला खुला तो DIG मुरादाबाद के आदेश पर DIOS अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, बैंक प्रबंधक सहित 15 लोगों के खिलाफ सरकारी पैसे का गबन करने का आरोप में मुकदमा दर्ज कर जाँच शुरू कर दी गई है। थाना कोतवाली नगर पर एक अभियोग पंजीकृत हुआ है, जिसमें एक आवेदक सिकंदर अली नाम के हैं, जिनके द्वारा इस तरीके का आरोप लगाते हुए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था कि यहाँ एक परिवार
फर्जी मदरसे और फर्जी कॉलेज के नाम पर सरकारी धन हड़प है, और उसमें वहाँ तत्कालीन जो DIOS थे उनके ऊपर, जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी थे उनके ऊपर, तथा एक बैंक के अधिकारी के ऊपर उन्होंने आरोप लगाया था, जिसमें एक कमेटी गठित की गई थी, ADM साहब, अपर पुलिस अधीक्षक महोदय और वर्तमान जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी की। उन्होंने जाँचों उपरांत प्रथम दृष्टया इसमें अपराध होना पाया था, उनकी जांच रिपोर्ट के आधार पर अभियोग पंजीकृत कर लिया गया, विवेचना प्रचलित है, जैसे साक्ष्य प्राप्त होंगे तदनुसार कार्रवाई कराई। वहीं गाजियाबाद कमिश्नरेट की ट्रांस हिंडन पुलिस ने चैन मोबाइल और पर्स लुटेरों पर लगभग काबू पा लिया है, जिस पर ट्रांस हिंडन की जनता ने भी मुहर लगा दी है। पिछले 3 महीनों के अगर आंकड़े उठाकर देखें तो गाजियाबाद के पूरे ट्रांस हिंडन इलाके में चैन मोबाइल लूट की वारदात लगभग जीरो हो गई है। ऐसा हम नहीं कह रहे, ऐसा पुलिस का रिकॉर्ड भी बोल रहा है। वही रेगुलर पहले हर महीने ही चैन स्क्रैचिंग की घटना सुनने को मिलती थी, लेकिन हाल फिलहाल में पिछले 3 महीने से तो हमें सुनने को मिली नहीं है। जिस एरिया में मैं खड़ी हूँ, ये मेरे पास का ही जो एरिया है वसुंधरा का, सेक्टर 5 का पोर्ट इलाका है, हर 15 दिन 1 महीने में एक आध चैन स्क्रैचिंग जरूर हो जाती थी। और इस चैन स्क्रैचिंग की एक मैं खुद भुक्तभोगी हूँ, क्योंकि मेरी भी जून में लास्ट ईयर 2 साल पहले यहाँ से हुई थी। आप यहाँ से देख सकते हैं सामने से ही, तो रोड क्रॉस करना भी मुश्किल हो जाता था। अब हाल फिलहाल 3 महीने से तो ऐसा सब मामला शांत है, कोई बात सुनने में आई नहीं है, वसुंधरा इलाके में तो नहीं आई है, बाकी आगे पीछे हो तो हम कुछ जानते हैं। जब मैंने ज्वाइन किया था यहाँ पे तो रिसेंट मुझे रोज़ इस चीज़ के लिए आगाह किया जाता था यहाँ से जाते समय कि आप थोड़ा अलर्ट होकर जाइएगा, बैग अंदर की साइड रखिएगा और चेन वगैरह नहीं पहनना है। तो अगर इसी तरीके का माहौल रहा तो लगता है कि महिला सुरक्षित महसूस करेंगी? बिल्कुल, अगर ऐसा माहौल रहा तो बिल्कुल, हम जैसी वर्किंग लेडीज़ के लिए तो ये बहुत अच्छा है कि हम सेफली आ जा सकती हैं, अपने जॉब पर जा सकती हैं, दिमाग में ये डर नहीं रहता कि कहीं पर्स ना खिंच जाए, फ़ोन ना खिंच जाए या चेन ना खिंच जाए। इसमें जो स्ट्रैटेजी है वो स्ट्रैटेजी ये है कि सभी जो इस तरह की घटनाएँ होती हैं उनका सफल और सही अनावरण करके जो अभियुक्त हैं उनको पकड़ा जाए, जो जिन चीज़ों की स्नैचिंग हुई है उसकी बरामदगी की जाए। इसके साथ साथ सभी ऐसे बिंदुओं को आइडेंटिफाई किया गया है जो खास करके बॉर्डर पॉइंट बनते थे या सेंसिटिव एरियाज होते थे, वहाँ पे लगातार चेकिंग की जाती है, और चेकिंग के दौरान भी कई सारी ऐसी घटनाओं का अनावरण हुआ है। इसके अलावा अगले स्टेप में ये प्लान रहेगा कि सभी एरियाज़ को CCTV कैमरों के माध्यम से कवर कर लिया जाए, ताकि इस तरह की घटनाओं पे पूरी तरह से। अलीगढ़ में पुराने समय से चलते चले आ रहे फर्द के नाम को बदलने के नाम पर लेखपाल के द्वारा पैसे लेकर बदलने का मामला सामने आया, जिसको लेकर भारतीय किसान यूनियन के द्वारा पहले ज्ञापन दिया गया, उसके बाद मांग पूरी ना होने पर भारतीय किसान यूनियन के द्वारा तहसील कोल का घेराव किया गया। भारतीय किसान यूनियन का साफ तौर पर कहना है कि लंबे समय से किसान के नाम पर एक जमीन चली जा रही है, लेकिन कुछ दबंगों के द्वारा पैसे के बल पर लेखपालों से साठगांठ करने के बाद जमीन को अपने नाम करा लिया गया, जिसकी सूचना किसान यूनियन कोई तो किसान यूनियन के द्वारा तहसील कोल का घेराव किया गया। आरोपी लेखपाल के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। वहीं मौके पर उपजिलाधिकारी कोल के द्वारा जांच कर कार्रवाई की बात कही जा रही है। एक्चुअली जो है विजयगढ़ के दमपुरा जो है नगला बरी जो है गाँव है, वहाँ को कोई दो पक्षों के बीच जो है कब्जे वब्जे को लेकर विवाद था, उसी के सिलसिले में जो है लेखपाल कानून को, जैसा कि इन लोगों ने बताया, मेरे संज्ञान में नहीं है, इन लोगों ने बताया कि मौके पर गए थे, परंतु मौके पर दोनों पक्ष आमने सामने हो गए, झगड़ा लड़ाई होने की नौबत आ गई, और उसके बाद जो है लेखपाल कानून को जो है वहाँ से वापस चले गए। इनका ये भी आरोप है कि हमारे नापने के लिए जो है लेखपाल द्वारा जो है वो पैसे वगैरह की मांग की गई है, परंतु जो चीज़ों का मैं देख रहा इसकी जांच करा रहा हूँ, जांच कराने के बाद जो सही होगा वो करा दिया जाएगा।
वहीं अगली खबर अलीगढ़ से है, जहां एक पिता के द्वारा अपनी गोद ली हुई बेटी के साथ दुराचार करने के मामले में कोर्ट के द्वारा बड़ा फैसला लिया गया। महज 41 दिन के अंदर कोर्ट के आदेश पर आरोपी पिता को 20 साल की सजा सुनाई गई है, साथ ही 50,000 का आर्थिक दंड भी दिया गया। एडीजी ने पॉक्सो अधिनियम के सुरेंद्र मोहन सहाय की अदालत ने गोद ली हुई बेटी से दुष्कर्म करने वाले पिता को 20 वर्ष कारावास की सजा सुनाई है। करीब 6 माह पुरानी घटना में 4 अप्रैल को आरोप तय हुए थे। 41 दिन में अदालत ने बड़ा निर्णय सुनाया है। एक सौतेले पिता द्वारा अपनी एक पुत्री को गोद लेकर, जो पहले से ही 4 बच्चों का पिता था, 2 बेटे थे 2 बेटियां थी, उसको पहले गोद लिया, फिर उसके साथ दुराचार किया। और लड़की ने बताया कि उसके अप्राकृतिक यौन शोषण भी हुआ उसका। और ये घटना 25/10/2022 की है। इसमें आरोप पत्र माननीय न्यायालय में 3/4 को प्रस्तुत हुआ, 3/4/23 को। उसके बाद 4/4/2023 को इसमें आरोप प्रस्तुत हुआ। इसमें पहली गवाही 10 तारीख को हुई। इसमें एक समाज से भी है मोहन चौहान, उनके द्वारा ये मुकदमा पंजीकृत कराया गया। उसके बाद इसमें पीड़िता नारी निकेतन में जो लड़की है उसका कोई नहीं है। वहीं फरीदाबाद में एक बार फिर से तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। दरअसल आपको बता दें कि पलवल की तरफ से दिल्ली जा रहे ट्रक ने एक महिला को रोड क्रॉस करते समय कुचल दिया, जिसके चलते महिला की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक महिला के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। तो वहीं घटना के बाद मौके से ट्रक ड्राइवर फरार हो चुका है। पुलिस पूरे मामले की जाँच कर रही है। ड्राइवर गाड़ी को मौके पे छोड़ के भाग गया। वो गाड़ी, वो जो लेडीज थी करीब 60-70 साल की उम्र थी उसकी, वो पिछले टायर के नीचे आ गई, वो रोड क्रॉस कर रही थी, वो बॉडी को भिजवा दिया बीच में। गाड़ी को अभी ट्रैफिक चलवा रहे हैं, गाड़ी को साइड में करवा रहे हैं। कौन सी गाड़ी है, क्या गाड़ी? टाटा 407 ही मौके पे खड़ी है, नंबर ही रहे ठीक है। मौके पे खड़ी है टाटा 407 गाड़ी। ड्राइवर मौके से भाग गया था। हाँ, ड्राइवर मौके, पता लगा किसकी गाड़ी है ये पता नहीं चला अभी किसकी गाड़ी। अभी डेड बॉडी को भिजवाया बीच के अंदर और जो कार्रवाई बनी कार्रवाई कर देंगे। वहीं इंजीनियरिंग कॉलेज के परिसर में संदिग्ध परिस्थितियों में आग लग गई। आग लगने से हड़कंप मच गया। वहीं मामला शहर कोतवाली क्षेत्र के फिरोज गांधी इंजीनियरिंग कॉलेज का बताया जा रहा है, जहां कॉलेज के पीछे स्थित जंगलों में अचानक आग लग गई। तेज हवाओं के कारण देखते देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। आग लगने से स्थानीय लोगों में हड़कंप मच गया है। वहीं आनंद फानन में पुलिस और फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई। मौके पर पहुंचे दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, तब जाकर लोगों को राहत की सांस। आज सुबह जब हम बाहर निकले तो देखे पॉलिटिन में आग काफ़ी तेज फैली हुई थी। उसके बाद हमने जो है फायर ब्रिगेड को कॉल किया, तो मौके पर तुरंत फायर ब्रिगेड पहुंची। उसके बाद जो है आग पर काबू पाया गया। ये लगातार घटनाएं घटित होती रहती हैं, क्योंकि जो है यहाँ हरे पेड़ों को जो है चढ़ान जो है हमेशा तारों पर चढ़ जाता है। उसके कारण जो है आए दिन शॉर्ट सर्किट की जैसी घटनाएँ प्लस आग लगने की घटनाएँ ये सब परमानेंट होती रहती हैं। तो अब आप लोगों के चैनल के माध्यम से मैं यही मांग करता हूं कि जल्द से जल्द इन पेड़ों की कटान की जाए और तारों को स्वच्छ एवं साफ किया जाए। दमकल की गाड़ियां आई मौके पर? जी, दमकल गाड़ियां मौके पर मौजूद हुई। आग पर काबू पा लिया? बिल्कुल, आग पर काबू पा लिया। 9:30 उसके अंदर आग लगी हुई थी और शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगी थी। विद्युत जाल की लाइन गई थी, वो तार टूट कर गिरा हुआ था, उसकी वजह से आग लगी। हमारे सभी मोहल्ले वासियों ने जो है होता हुआ सब लोगों ने फोन किया और एक गाड़ी आई फायर ब्रिगेड की, उसने आग को बुझाया और उसने जो है आग काबू पा लिया। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।